दोस्तों आज के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, रायपुर शहर मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में स्थित एक सुंदर शहर है। इसके अलावा यह छत्तीसगढ़ की खूबसूरत राजधानी भी है और तो और दोस्तों यह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शहरों में से एक भी है। दोस्तों यहाँ हर साल भारी संख्या में लाखों पर्यटक आते हैं। दोस्तों यदि फेस्टिवल के सीजन में यहाँ की यात्रा की जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद मिलेगा, क्योंकि रायपुर में बहुत सारे फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों इस शहर में आप लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ साथ कुछ ऐसे भी जगह देखने को मिलेंगे जहां जाकर आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और वो सारी चीजें आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले रायपुर के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल के बारे में जहाँ आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर एक, रायपुर का प्रसिद्ध महामाया मंदिर। दोस्तों रायपुर में पुराने किले क्षेत्र में स्थापित महामाया मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर देवी महामाया को समर्पित है, जिसे दुर्गा के एक रूप का माना जाता है। यह मंदिर खारून नदी के तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति में शिव और विष्णु दोनों के गुण हैं, जो उन्हें बहुत ही शक्तिशाली देवी बनाते हैं। नंबर दो, बुद्धा पारा झील। दोस्तों बुद्धा पारा झील, तो यह झील रायपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण कलचूरी सम्राट राजा ब्रह्मादेवी ने 1404 ईस्वी में कराया था। अगर आपको शांत वातावरण से लगाव है तो बुद्धापारा झील आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। झील के किनारे बैठकर प्रकृति को निहारने का आनंद कुछ अलग ही होता है। नंबर तीन, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय। दोस्तों यह स्थान भी पर्यटकों के लिए काफी ज्यादा पसंदीदा स्थान है। दोस्तों यहाँ हर साल काफी सारे लोग इसे घूमने के लिए आते हैं। लगभग 2 हेक्टेयर की विशाल भूमि पर फैले इस संग्रहालय का निर्माण राजा महंत घासीदास ने 1875 में करवाया था। यह संग्रहालय देश के 10वें सबसे पुराने संग्रहालय में से एक है। नंबर चार, विवेकानंद सरोवर। दोस्तों विवेकानंद जी के नाम पर निर्मित यह सरोवर एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। दोस्तों यहाँ माना जाता है कि जब विवेकानंद जी रायपुर की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने इस झील बेहद पसंद आई। यहाँ पर विवेकानंद जी की 37 फीट ऊंची एक मूर्ति भी है। विवेकानंद सरोवर में आप नौका विहार के साथ साथ अन्य गतिविधियों के द्वारा अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। नंबर पाँच, कैवल्य धाम रायपुर। दोस्तों कैवल्य धाम एक जैन मंदिर है, जो यहाँ के भक्तों के साथ साथ पर्यटकों को भी आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। दोस्तों मंदिर परिसर में कुल 26 छोटे बड़े बड़े मंदिर है। इस मंदिर में 24 मूर्तियां हैं और प्रत्येक मूर्तियां देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। नंदन वन उद्यान। दोस्तों यह उद्यान खारून नदी के तट पर स्थित है, जिसे आप यहाँ पर विजिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक उद्यान ही नहीं बल्कि एक मिनी जू भी है, जिसमें बाघ, शेर, हिरण जैसे कई सारे जानवर देखा जा सकते हैं। नंबर छह, ऊर्जा पार्क। दोस्तों ऊर्जा पार्क है या फिर एनर्जी पार्क रायपुर का एक प्रसिद्ध पार्क, जो कि अपने शांत वातावरण और नौका विहार के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इस विशाल पार्क में बड़े तालाब है और एक नौका विहार ऊर्जा का भी एक केंद्र है। दोस्तों यह पार्क बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप लोग रायपुर आते तो यहाँ आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप लोग इनमें से कौन कौन सी जगह पर गए हो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।